नमस्कार, आप देख रहे हैं टैलेंटेड इंडिया और मैं हूं राहुल तिवारी। देश में यातायात की समस्या एक आम समस्या है और किसी भी शहर में हम चले जाएं, वहां हमें उलझुल ट्रैफिक और अस्त व्यस्त ट्रैफिक को और ज़्यादा बिगाड़ने वाले लोग आसानी से मिल जाते हैं। ऐसे में ट्रैफिक की समस्या से कैसे निपटा जाए, इसके लिए विशेषज्ञ लोग लगातार मेहनत करते हैं। यातायात पुलिस मोर्चा संभालती है, लेकिन फिर भी ये समस्या बरकरार रहती है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार में मंत्री जीतू पटवारी मंगलवार शाम ऐसे ही ट्रैफिक के बीच फंस गए। जीतू पटवारी किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे, लेकिन उसी वक्त इंदौर के चाणक्यपुरी चौराहे पर तितर बितर ट्रैफिक में उनकी कार जाकर अटक गई। जीतू पटवारी ने काफ़ी देर तक कार को बाहर निकालने की कोशिश भी की, लेकिन जब उनकी गाड़ी उस ट्रैफिक से बाहर नहीं आ पा रही थी तो वह खुद गाड़ी से उतरे और यातायात का मोर्चा संभाला। जीतू पटवारी ने न सिर्फ ट्रैफिक को साफ करने में मदद की, बल्कि लोगों के बीच भी यातायात का एक संदेश दिया। इस दौरान उनका एक वीडियो है जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जाम खुलवाने के लिए जीतू पटवारी ने काफ़ी देर तक मशक्कत की और इस कारण से उनके इस कदम की काफ़ी सराहना भी हो रही है। उन्होंने सबसे पहले यातायात पुलिस के अधिकारियों को फ़ोन लगाया, लेकिन जब अधिकारियों ने फ़ोन रिसीव नहीं किया या किसी कारण व्यस्त होने के चलते अधिकारियों से संपर्क नहीं हो पाया तो जीतू पटवारी खुद मैदान में उतरे। उन्होंने ट्रैफिक व्यवस्था को बहाल करने में लोगों की मदद की और गाड़ियों को निकलने के लिए भी रास्ता दिलवाया। तो चाणक्यपुरी चौराहे का ये वीडियो है जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और इंदौर में तेज़ बारिश के चलते चौराहे पर जाम की स्थिति बनी थी, जो काफ़ी देर तक भी ठीक नहीं हो पाई। इसके बाद मंत्री जी खुद उतरे और उन्होंने जाम को सही करने का काम किया। इस घटना की या इस पूरे वाक्य की सराहना भी हो रही है, लेकिन सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि जो शहर स्वच्छता में नंबर वन आ सकता है, क्या यातायात के मामले में वहाँ के लोगों में जागरूकता की कमी है? और यदि जागरूकता की कमी है तो फिर उसे दूर कैसे किया जाएगा? जीतू पटवारी तो अपनी जिम्मेदारी निभा गए, लेकिन आम लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। और उस जिम्मेदारी के लिए यदि हर शहरवासी आगे आए तो हम यातायात की समस्या से भी निजात पा सकते हैं। यह खबर थी जो हमने आपसे साझा की। इसी तरह की और खबरों के लिए आप देखते रहिए टैलेंटेड इंडिया। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।